गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेटा आवर न्यू टॉपिक दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, एडिटिंग इज रिलेटेड फ्रॉम योर सिलेबस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड इन द फर्स्ट एक्सरसाइज देर इज सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड यू हैव टू राइट दैट मिस्टेक्स। आप कह सकते हैं या फिर जहाँ ब्लैंक दिया गया है वट शुड बी रिटर्न देयर, तो वो आपको राइट करना है। इन एग्जाम बेटा यू हैव नो नीड टू राइट फुल सेंटेंसेस इन योर एग्जाम, यू हैव टू राइट ओनली नंबरिंग, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, दैट विल बी सफिशियंट। लाइक दिस वी विल स्टार्ट नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से आप इसी तरह से करेंगे। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, आई गेट इन वेस्टरले सिंस लास्ट सितंबर। तो इसमें देखिए बेटा, अगर ब्रैकेट में आपका लीव हो, अगर ब्रैकेट में हमने लीव कर दिया तो यहाँ पर क्या है, सिंस है। सिंस के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव बीन और हैव। तो यहाँ आई है, आई के साथ क्या आएगा, आई हैव बीन लीविंग, क्या है इसमें, बिकॉज सिंस है, सिंस की वजह से, जहाँ सिंस हो वहाँ पर हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज होता है। तो सिंस की वजह से यहाँ क्या आएगा, आई हैव बीन लीविंग, हैव बीन लीविंग, यहाँ क्या आ जाएगा, हैव बीन लीविंग, एल आई बी आई एन जी, हैव बीन लीविंग। हम ये नंबरिंग बाद में डालेंगे। ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड देखिए, आई हैव बीन इन न्यूयॉर्क डैश एम। अब देखिए बेटा, हैव बीन का यूज हो गया, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, फोर टू वीक्स, यहाँ पर आप वन वीक, टू वीक, कोई भी टाइम मेंशन कर सकते हैं। आई हैव बीन इन न्यूयॉर्क फोर टू वीक्स का यूज। थर्ड सेंटेंस देखिए, द फोन डैश व्हाइल आई वाज डूइंग द डिशेस, कि फोन बजा जब मैं डिशेस साफ कर रही थी, तो इसमें क्या आएगा, बजा, क्योंकि देखिए पास्ट चला हुआ है हमारा, पास्ट में आई वॉज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फोन रैंग, क्या आएगा यहाँ पर, द फोन, थर्ड मिसी में हमारा रैंग, आर ए एन जी, आर ए एन जी, द फोन रैंग, फोन बजा, व्हाइल आई वाज डूइंग द डिशेस, जब मैं डिशेस साफ कर रही थी, पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी हमारा पास्ट आएगा, रिंग रैंग रंग, तो रैंग आएगा। बी देखिए, आई डैश योर लेटर लास्ट वीक। अब देखिए इसमें लास्ट वीक आ, जिसमें लास्ट ईयर, लास्ट वीक आ जाता है वहाँ वो आपकी सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। तो आई रिसीव योर लेटर, क्या आएगा यहाँ पर, आर ई सी आई बी ई डी, आई रिसीव योर लेटर लास्ट वीक, क्योंकि यहाँ क्या है, लास्ट वीक है, तो क्या आ जाएगा, रिसीव, इस तरह से आप लास्ट में फिल करेंगे, रिसीव लास्ट, जहाँ पर भी लास्ट आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ये सेंटेंस देखिए, इफ आई हैड टेकन पार्ट, इफ आई हैड, इट मीन्स पास्ट टेंस है, हैड का यूज है, हैड हमारा पास्ट है, हैज हैव हैड, इफ आई हैड टेकन पार्ट, अगर मैंने भाग लिया होता, आई डैश द प्राइज, तो क्या आएगा, आई वुड हैव वुड, ऐसे सेंटेंसेस में बेटा वुड हैव, क्योंकि कंडीशन दिखाई दी है, जीत गया होता, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, वुड हैव वोन, वुड हैव वोन, तो जीता होता, वुड हैव पास्ट में आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, कि इफ आई हैड टेकन पार्ट, अगर मैंने भाग लिया होता, आई वुड हैव वोन द प्राइज, तो मैं जीत गया होता प्राइज। अब देखिए एफ देखिए, दे हैव नाउ डैश द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स,
तो क्या आएगा, दे हैव नाउ, यहाँ पर इंक्रीज्ड भी आ सकता है क्योंकि हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए दे हैव नाउ रिसीव, दे हैव नाउ रिड्यूस्ड भी आ सकता है, यहाँ पर इंक्लूड वो भी आ सकता है, इंक्रीज भी आ सकता है। दे हैव नाउ क्या आएगा यहाँ पर, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड होता है कम कर देना, और इंक्रीज भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर एफ में रिड्यूस और इंक्रीज बोथ आ रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूस भी आ सकता है और इंक्रीज भी आ सकता है। शी गेव अ लाउड स्क्रीम, लाउड स्क्रीम मीन्स लंबी चीख मारना, बहुत जोर से चिल्लाना। शी गेव, गेव कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म। शी गेव अ लाउड स्क्रीम एंड डैश ओवर द चेयर एंड फेल, फेल ओवर द चेयर, फेल होता है गिरना, कि उसने लंबी चीख मारी जब वो चेयर से गिरी, फेल। अब देखिए वी एट द चिकन एंड ऑल्सो डैश द ऑरेंज जूस एंड ऑल्सो ड्रैंक, देखिए वी एट, एट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, एट इज सेकंड फॉर्म, ईट एट इटन, तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ड्रैंक आ जाएगा, ड्रिंक ड्रैंक, क्योंकि जूस को कम पीते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्रैंक, ड्रैंक यूज कर। अब देखिए अगला, आफ्टर दिस डैश वी डेयर नॉट टू गो देयर अगेन, आफ्टर दिस हमें साहस ही नहीं किया वहां जाने का, आफ्टर दिस हैपेंड ऐसा घटित होने के बाद, तो यहाँ पर आई में क्या आएगा, हैपेंड एच ए डब्ल्यू पी ई एन ई डी, ऐसा होने के बाद। हैज एनीवन एवर, देखिए हैज है, हैज क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज एनीवन एवर Told you to know, तो यहाँ tell, told, told, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। Tell की थर्ड फॉर्म क्या होती है, told, तो has anyone ever told you to knock before you enter? क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि एंटर करने से पहले नोट किया जाता है, तो has के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगी। दिस इज एक्सरसाइज वन का, नाउ एक्सरसाइज सेकेंड, एक्सरसाइज सेकेंड देखिए, They were dashed by the film. They were, अगर ब्रैकेट में बोर है, they were है, वर के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी वर्ब की, सेकेंड फॉर्म। They were bored, B-O-R-E-D, बोर हो गए फिल्म से, they were bored. After dash up, सेकेंड सेंटेंस देखिए, After dash up the thief, I called the police. After, इसमें क्या आएगा, इसमें बेटा आफ्टर टाइट, टाइड अप दी थी, बांधने के बाद, टाइड अप, आफ्टर टाइड अप दी थी, थीफ को बांधने के बाद, देखिए टाई, टाई हमारी फर्स्ट फॉर्म है, आई कॉल दी पुलिस, दिस इज अ पास्ट टेंस, पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि मैंने पुलिस बुलाई थी, कब बुलाई थी, बांधने के बाद, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि टाई, 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 आफ्टर टाइड अप द थीफ आई कॉल्ड द पुलिस। अब देखिए थर्ड, सी देखिए, स्टॉप डैश और आई विल हिट यू, स्टॉप क्राइंग और आई विल हिट यू, कि स्टॉप क्राइंग, चिल्लाना बंद करो, क्राइंग, स्टॉप क्राइंग और आई विल हिट यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डैश पोल्यूशन, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन, कंट्रोल करने से, तो यहाँ पर क्या आएगा, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए कंट्रोलिंग, बी का हमने कंट्रोलिंग राइट किया, ई देखिए, आई सा अ मैन डैश ओवर द गेट, आई सा अ मैन डैश ओवर द गेट, आई सा देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट टेंस है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा था, तो क्या आएगा इसमें, क्लाइंब भी आ सकता है, क्लाइंबिंग भी आ सकता है, क्लाइंबिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, आई सा अ मैन क्लाइंबिंग ओवर द गेट, गेट पर चढ़ते हुए। एलिना सा, एलिना ने देखा क्या, डैश टू ओपन द फ्रंट डोर, एलिना सा ट्राइंग टू ओपन द फ्रंट डोर, किसी को ट्राइंग होता है कोशिश करते हुए, खोलने की कोशिश करते हुए। आई
Alina saw her. Alina ने उसको देखा trying to open the front door. Front door open करते हुए. Next देखिए, the gate was not damaged, but it was. The gate was not damaged, but it was wide open. इसमें देखते हैं wide open. Wide open नहीं आएगा. सिर्फ wide open. Wide open. The gate was not damaged. गेट डैमेज नहीं हुआ बट इट वॉज वाइड ओपन. वाइड ओपन मीन्स ज़्यादा खुला हुआ था. आई सा माई नेबर, मैंने अपना नेबर देखा. पास्ट टेंस है. डैश बाई द डोर. आई सा माई नेबर स्टैंडिंग बाई द डोर, खड़े हुए. तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, स्टैंडिंग, खड़ा था वहाँ पर. वी हैड अ वेरी फ्राइटेंड एक्सपीरियंस. अब देखिए, वी हैड अ वेरी हैड है. हैड इज अ हमारा कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो इसमें फ्राइटेंड यूज नहीं होगा. वी हैड अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस आता है. तो हमारा जो फ्राइटेंड है, दिस इज रॉन्ग. क्या आएगा यहाँ पे, आएंगे फ्राइटनिंग, एफ आर आई जी एच टी ई एन आई एन जी, फ्राइटनिंग, डराने वाला एक्सपीरियंस. डरा हुआ हो गया, फ्राइटेंड का मीन तो डरा हुआ होता है. फ्राइटनिंग होता है डराने वाला. जे देखिए, आई हियर द चाइल्ड डैश स्क्रीम. आई हियर द चाइल्ड, मैंने अब लड़के बच्चे की आवाज सुनी. स्क्रीम, चीखता हुआ. नो, चीखता हुआ नहीं आएगा यहाँ, स्क्रीमिंग आएगा. क्या आएगा, स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग होता है चीखते हुए, स्क्रीमिंग. आई हियर द चाइल्ड स्क्रीमिंग, चीखता हुए बच्चे की आवाज सुनना. दीज आर टू एक्सरसाइज. You have to do beta these two exercises in your book, first and second, with the help of pencil. First of all, you have to do this exercise yourself. After this, for correction, you can see the answer. Thank you. Have a nice day.